Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me. And this reading is going to be quickly on Harshali. Harshad Chopra and Pranali. Dekhte hain unka aane wala 10 days, 18th February se leke 29th February tak kaisa jaane wala hai. Let's see. Harshad Chopra and Pranali. Eight of Wands hai aur Princess of Pentacles hai. पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, नाइन ऑफ कप्स है, वाओ, हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली, ओहो, थ्री ऑफ सोर्ड है, इनकी लाइफ में ही ना कुछ कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं जो आप लोग भी काफी परेशान रहते हो. टेन ऑफ सोर्ड है. अब देखो गाइज क्या हो रहा है यहाँ पे. अगर हम देखें तो यहाँ पे तो एक बिग टाइम सन राइज कर रहा है. सन भी है पूरे परम चरम चरम पे अपने, लाइक 12 PM इन द नून. सन ब्राइट है. विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है. तो हर चीज़ तो यहाँ पे ये वीक एक अच्छा मोमेंट डेफिनेटली उनके लिए लेके आ रहा है. बट देन अगेन यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड आ जा रहा है. तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट आ रहा है उनके लाइफ में. कुछ विश फुलफिलमेंट जैसी चीज़ हो रही है. जो सिचुएशन लग रहा था कि अब तो ठीक नहीं होगा, वहाँ पे कुछ बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है. बट देन अगेन यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी है ना. एंड आई डोंट नो व्हाई दिस कम्स, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. प्रिंसेस ऑफ टॉर्च है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है. आगे बढ़ रहे हो, जिस चीज़ पे भी आगे बढ़ रहे हैं. इनके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो सकता है कि आगे बढ़ के कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं और उनको बिग टाइम सक्सेस मिल रहा है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है. लेकिन फिर से एक हार्ट ब्रेक हो रहा है. अब ये क्यों हो रहा है? सिक्स ऑफ कप्स है. यस, दिस इज वॉट इट इज. तो एक बहुत सुपर पॉजिटिव एनर्जी है और एक थ्री ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है. तो दोनों एक्सट्रीम की एनर्जी है इनके रिलेशनशिप में, आप देख सकते हो. सो डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज हैव द क्लैरिफायर फॉर हर्षालीज कार्ड्स, कैन वी हैव इट. तो दो तरह की एनर्जी है, जैसा मैंने आपको बोला. फाइव ऑफ सोर्ड के लोग नेगेटिव लोग हो सकता है कि हों, जो चीज़ों को खराब करते हैं. तो एक सिचुएशन जो हम मैं बात बताई हुई है आपको, कि जैसे लग रहा था कि वो ठीक नहीं होगा, वहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी आया है. लेकिन फिर से चीज़ें थ्री ऑफ सोर्ड हो गया. किसी ने तीन सोर्ड लाके किसी के यू नो अटैक कर दिया है लेके. और ये तीन सोर्ड कहाँ से आ सकता है? फाइव ऑफ सोर्ड से आ सकता है. तीन सोर्ड इन्होंने इसमें डाल दिए हैं. उनके पास पाँच सोर्ड था, तीन सोर्ड इस पे ही डाल दिया है. क्लैरिफायर फॉर दिस कार्ड्स, थैंक यू डियर एंजल्स. Clarifier for these cards, thank you. Okay, this wants to come out. Nine of Cups, wow. Nine of Sword, boom. Four of Pentacles, Six of Pentacles. देख रहे हो ना? Ten of Sword की situation अगर हम ऐसे कर दें, Ten of Sword में हो. ये card कैसे आया है? ऐसे आया है. ये वाला card ऐसे आया है कि जो situation लगा था कि ठीक नहीं होगा, वो ठीक होने के लिए ठीक होने का उसने साइंस दिखाया. लेकिन क्या हुआ? फिर से वापस बैक टू स्क्वायर वन. थ्री ऑफ सोर्ड हमें यही बता रहा है ना, जो चीज से हम बाहर निकले थे. टेन ऑफ सोर्ड से जहां पे हमने बाहर, यहां पे भी बाहर निकल रहे हो, यहां पे भी बाहर निकल रहे हो. टेन ऑफ सोर्ड से वापस थ्री ऑफ सोर्ड के साथ क्या हुआ? वापस वहीं पे आ गए. तो ये एनर्जी दिख रही है रिलेशनशिप से रिलेटेड. एक न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं टेन ऑफ सोर्ड के बाद अपने रिलेशनशिप में, पर हो नहीं पा रहा. शायद फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ, फाइव ऑफ सोर्ड के साथ नेगेटिव लोग हैं जो कि ये सब चीज करते हैं इनके साथ. अब यहाँ पे भी देखो, अगर ये है तो देखो यहाँ पे जिस तरह से ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है ना, पेज ऑफ वॉन्ड कौन होता है? जो अपने वो कुछ करना चाहता है, यानी कि रिलेशनशिप को क्या करना चाहता है. ये बहुत ही, ये दोनों ही शायद, या फिर एटलीस्ट एक इंसान बहुत ही जोश और खरोश के साथ नाइन ऑफ कप्स को अचीव करने के लिए अपने रिलेशनशिप में, यानी कि नाइन ऑफ कप इनका विश फुलफिलमेंट है, गोल है अपने रिलेशनशिप के लिए इन दोनों का, उसको अचीव करने के लिए. ये है इंटेंशन, ये है क्या गोल, इसको अचीव करने के लिए ये बंदा या ये दोनों आगे बढ़ते हैं और इसको अचीव भी कर ले रहे हैं. यानी कि बहुत ही तगड़ी मैनिफेस्टेशन है, बहुत ही स्ट्रांग इंटेंशन है कि इस रिलेशनशिप में ये मुकाम हासिल कर पाए. इस कार्ड का क्लैरिफायर ये बता रहा है कि ये अपने रिलेशनशिप में ये अचीव करना चाहता है. ये नाइन ऑफ कप्स और ये नाइन ऑफ कप्स दोनों सेम कार्ड है. और यहाँ पे जो भी इंटेंशन के साथ आगे बढ़ा था ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, अपने रिलेशनशिप में अचीव कर रहा है. ब्यूटीफुल, स्ट्रेस कम हो रहा है. लेकिन फिर पता नहीं कुछ होता है और ये फिर से थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी में ये पेयर चला जा रहा है. तो ये तो लग रहा है
मैं ये कार्ड देखती हूँ आखिर इसमें क्या हो रहा है. कैन वी प्लीज हैव अ क्लैरिफायर फॉर थ्री ऑफ सोर्ड गाइज डियर एंजल्स इन हर्षालीज रीडिंग. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच. हालांकि ट्रस्ट करने के लिए बोला गया है. ट्रस्ट कब होता है? जब हर होप टूटता चला जाए. अब इतने होप से यहां से बाहर निकल के आगे बढ़े थे, चीजें हो भी रही थी, तो कुछ पॉजिटिव आप इनके रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक. हालांकि फिर से थ्री ऑफ सोर्ड के में जा रहा है, और फिर से जब बहुत बुरा होके कुछ ठीक हो रहा है जो आप चाहे कर पा रहे हो, और फिर से वो बैक टू स्क्वायर वन जा रहा है, बिगड़ रहा है, तो होप तो आदमी का खत्म हो जाता है ना. लेकिन यहां पे बोला जा रहा है होप रखो. ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजंस. डोंट बी स्वेड बाय अदर पीपल्स स्ट्रांग ओपिनियन. अच्छा, अबाउट वॉट टू डू. टेक एक्शन एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू आर ऑन द राइट पाथ. फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखा था ना शफल करते वक्त इस डेक से. ये लोग जो भी अपना डिसीजन लेते हैं तो हर चीज अपने लाइफ में अच्छा कर लेते हैं. लेकिन ये पांच लोग आके बाहर के लोग इनके डिसीजन को बोलते हैं कि ये सही नहीं है, वो नहीं सही है, और फिर क्या होता है, ये लोग उनकी बात मान के हर्ट हो जाते हैं, और यही चीज हो रहा है. तो यही हो रहा है इनके कार्ड रीजन में. चलो ठीक है. गाइडेंस कमिंग फॉर हर्षद इन द रिलेशनशिप विद प्रणाली. सरेंडर योर नीड टू बी राइट ऑल द टाइम. ठीक है ना, ये हर्षद सोचता है कि ये जो भी करता है ये सही करता है, तो उसको वो अपनी बिहेवियर चेंज करनी चाहिए. गाइडेंस कमिंग फॉर प्रणाली फॉर हर रिलेशनशिप विद हर्षद. सरेंडर टू सक्सेस बोला है. कंपैरिजन है शायद यहाँ पे दूसरे लोगों रिलेशनशिप से. यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस अबंडेंस. डोंट लुक बैक एट प्रीवियस रोड ब्लॉक्स. एक्चुअली ये हमेशा इसकी, पता नहीं इसकी एनर्जी डरी हुई रहती है या अंकित गुप्ता वाले प्रियंका की एनर्जी. एनीवेज, ये बंदी हमेशा पास्ट के फोकस, पास्ट में फोकस रहती है. पास्ट में जो प्रॉब्लम्स हुई है ना रिलेशनशिप में, उसको लगता है कि ये सक्सेस हो नहीं पा रहा है, और यहाँ से ही एक्चुअली ये अपने लिए डिफिकल्टीज मैनिफेस्ट कर रही है. क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी हमेशा कहाँ पे फोकस्ड है? नाइन ऑफ सोर्ड. थॉट प्रोसेस कहाँ पे है? पास्ट के. यहाँ पे भी कहाँ है? आप बार बार पास्ट को रिविजिट कर रहे हो, है ना. आपका थॉट बॉडी क्या सोच रहा है? क्या गड़बड़ हो सकता है? क्या गड़बड़ हो सकता है? तो नो डाउट ये गड़बड़ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइव ऑफ सोर्ड के लोग को अट्रैक्ट कर रहे हैं. और जो चीज़ ठीक हो सकती है अपने वाइब्रेशन से बिलीव करके, दूसरों की बात नहीं मान के अपनी बात मान के, वो ठीक नहीं हो पा रही है ना. तो दूसरों के बातों को मानना एंड ऑल दैट्स के कारण प्रॉब्लम हो रहा है. और प्लस हमारा थॉट प्रोसेस भी क्या है? वेरी नेगेटिव, वेरी नेगेटिव. बार बार क्या होता है ना, पास्ट में चले जाते हैं, तो वहां से प्रॉब्लम हो रही है. बंदे के लिए एक गाइडेंस. कैन वी प्लीज हैव योर एंजल्स. वी थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस. टाइम टू मूव ऑन. पता नहीं इसे मूव ऑन करने के लिए क्यों बोला गया है. हैव फेथ है शायद इसका, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस है तो इसका हैव फेथ ही होने वाला है. गाइडेंस कमिंग फॉर बंदी. प्रोटेक्शन. यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवेंस. किसी चीज का डर है इसे बहुत ज्यादा, देख रहे हो ना, डर चिंता. और इसको फेथ बोल रहा है, इसको फेथ है नहीं हो रहा. सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली राठौड़ फॉर द कमिंग 10 डेज गाइस. ठीक है ना, इस बंदे को होप रखने की जरूरत है. फेथ, देखो होप एंड फेथ सेम ही चीज है. ट्रस्ट करो कि चीजें ठीक हो जाएंगी. पर चीजों को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी चीजों पे, अपने आप पे विश्वास करो ना. एक तो रिजिड भी नहीं होना है, अपनी चीजों पे विश्वास करो. बाहर के लोग बिग टाइम आके इनकी चीजों को बिगाड़ देते हैं. ट्रस्ट का कार्ड तो यही बता रहा है ना. डोंट गेट स्वेड बाय अदर पीपल्स रॉन्ग ओपिनियन, स्ट्रांग ओपिनियंस अबाउट वॉट टू डू. वो करो जो तुमको ठीक लगता है. सो दैट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर हर्षद एंड अदर फॉर द कमिंग 10 डेज. इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू अगेन. बाय फॉर नाउ.